जी हां, राजनीति में अब एक और युवराज, भरतपुर रियासत के युवराज कुंवर अनिरुद्ध सिंह अब भरतपुर जिले की सियासत के भी युवराज बनना चाहते हैं और इस बात के संकेत खुद अनिरुद्ध सिंह ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए भी हैं। राजघरानों का लोकशाही की सियासत में दखल कोई नई बात नहीं है। तमाम राजे रजवाड़े चुनाव जीतकर विधानसभा तो लोकसभा भी पहुंचते रहे हैं, लेकिन लगता है कि जल्द इसमें एक और नया नाम भरतपुर के 28 साल के युवराज कुंवर अनिरुद्ध सिंह का भी जुड़ने वाला है। राज करना तो अनिरुद्ध सिंह ने विरासत में सीखा, लेकिन सियासी गुर में माहिर होने की कला अपने पिता और गहलोत सरकार में मौजूदा मंत्री विश्वेंद्र सिंह से धीरे धीरे सीख रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह भरतपुर के विकास के लिए सबको साथ लेने की बात करते हैं और खुद को कांग्रेसी भी अब बताने लगे हैं। लोक दल के नेशनल लीडर के साथ, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, एक कांग्रेस वर्कर होते हुए खुद ये था कि आप जनता ने तो अपनी चॉइस बना ली कि कहीं पर कांग्रेस, कहीं पर बीएसपी, लेकिन अब भरतपुर के विकास के लिए तो सबको साथ में आना पड़ेगा ना, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, सबको साथ बैठ के काम करना होगा। अनिरुद्ध सिंह की सियासी विचारधारा वाकई समावेशी विकास वाली नजर आती है। इनका मानना है कि विकास के लिए सभी दलों के विधायकों को एक साथ बैठना होगा। शायद यही वजह है कि बीते दिनों बीएसपी और आरएलडी के नेताओं के साथ उन्होंने एक बैठक भी की थी। तो इस तरीके से खींचने के का तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। सब लोग साथ बैठे, भरतपुर का विकास होगा तो राजस्थान का भी विकास होगा। एक आम इंसान की तरह रहन सहन वाले अनिरुद्ध सिंह अपने पिता विश्वेंद्र सिंह की तरह डी कुम्हेर क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं तो अधिकारियों से मिलकर समाधान भी निकलवाते हैं। किसी भी अगर आप कोई गांव में भी जाओ तो पार्टी आपस में होंगी, लेकिन सबको वेलकम करेंगे, सब एक साथ बाहर निकलेंगे। तो इट इज माई ऑनर कि मेरी गैदरिंग में आई हैव सीनियर पीपल फ्रॉम द कांग्रेस, लंदन से MBA करने वाले अनिरुद्ध सिंह इन दिनों गांव की मिट्टी में सियासी ताले को खोलने की चाबी तलाश रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देवेंद्र सिंह, Zee Media, भरतपुर।